हरदोई के एक सरकारी स्कूल के उर्दू शिक्षक ने बच्चों को नमस्ते की जगह सलाम करने का फरमान सुनाया है और इसकी खबर जैसे ही बच्चों के परिजनों तक पहुंची वो भड़क गए और स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंच गए और इन सब ने भी हंगामा किया। इसके बाद उर्दू शिक्षक ने लोगों से माफी मांगी और तब जाकर यह मामला शांत हुआ। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले की जांच करवाई जाएगी और साथ ही उर्दू शिक्षक से इसका स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जांच में निकलकर जो भी बातें सामने आएंगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है अधिकारी ने। उसने उनसे सुबह गई जब यहाँ से तो उसने गुड मॉर्निंग की तो वो बोले कि ऐसा है कि हमसे गुड मॉर्निंग न किया करो, हमसे वालेकुम सलाम किया करो। वो मौलवी जी एक उसी में पढ़ाते हैं, उन्होंने ये चीज़ कही तो हम वहाँ जब प्राथमिक विद्यालय जब गए आज सुबह तो उनसे मतलब प्रिंसिपल से वहाँ हमने बताया तो उन्होंने यही कहा है कि हम मतलब इनकी हमारे संज्ञान में नहीं, उन्होंने पहले यही बताया कि हमारे संज्ञान में नहीं है और ये ऐसा है तो हम इस पर आगे मतलब कार्रवाई करेंगे। यूपीएस रसूलपुर में ये अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं, इनका नाम मोहम्मद इश्तियाक खान है। इनके द्वारा वहाँ के समूह तक कुछ बच्चों के लिए सलाम करने की बात आई थी सामने, इसमें कुछ संगठनों द्वारा विरोध करने पर मामला भी समझा बुझा करके शांत किया गया है।